आप लोगों के बताबा आज सुबह सुबह पापा जी कहत रहले कि उनका इम्पोर्टेंट मीटिंग रहल। वो इम्पोर्टेंट मीटिंग एगो डिटेक्टिव के साथ है रहल। वो एगो डिटेक्टिव हायर कैले रहले प्रीता पे नजर रखे खातिर, ये जाने खातिर कि का प्रीता पैसन से खरीदल जा सके। तू तार हिम्मत कैसे भली यहाँ आवे के? हाँ आप तो कहते रहे ना कि आपके हमरा पे खुद से भी ज्यादा विश्वास बा। हाँ विश्वास रहल, विश्वास रहल। हम काले रनी हमरा से गलती भइल रहे, ओकर नतीजा भी भुगता तनी हम। यू प्रीता अरोड़ा, अब तू हमने सब के उखा दी, तू बिल्कुल मैटर नहीं को करत बिल्कुल भी ना। ताके काला कर तू फिर से हमने के सामने आईबो, दुगो आंसू बहइबो, तार आगे पीछे हमने घूमे लगम से नाचे लगम से। हां तारा पर विश्वास करो, तार गलत फहमी भाई। कहे सब तार जगह ना हमरा दिल में बा, नहीं हमारा घर में, ना ही हमारा फैमिली में, समझ लो तुम। एक्चुअली गलती तार ना हमने सबके बा, जरूरत से ज्यादा विश्वास कहीं नहीं सर पे चढ़ा लानी ताके। यही से शायद डैड के लागल, तू यहाँ से चल गलू तो हमने के खुशी चल गई, हमारा घर में मायूसी छा गई, हमने के सबके उतार के मिस करे लगे नहीं। लेकिन ना प्रीता और लड़ाई तार गलत फहमी बा, तू हमारा परिवार के खुशी ना रह, ना कबो रहलो ना कबो होखबो। इनफैक्ट अगर तू हमरा घर आवल छोड़ दो ना तो हम लोग ज्यादा खुश रहे, समझ लो तू। हमार करण बेटा बिल्कुल ठीक कहत बा प्रीता, अब तू हमार लकी चाम ना रहलू। तू हमने के घर खातिर बिल्कुल अच्छा ना बाड़ू, चल जा यहाँ से। और बिटिया हम इलाज के हुआ से करवा ले, तू चल जा। तोहरा की पहचाने में तो हम भी बहुत बड़ धोखा खा गई नी प्रीता, हमरा लगल तू बहुत अच्छा बाड़ू, बहुत अच्छा। लेकिन तू बुरी बाड़ू, बहुत बुरी बाड़ू प्रीता, चल जा, चल जा जैसे। हाँ प्रीता तू चल जा यहाँ से, और आज के बाद एक घर पे तहार साया बिना पड़े के चाहिए। हम शालिन से नफरत करत रही, एक हाथे रोकड़ा के उल्टा सीधा बोलनी, पर आज जे वो कहले है ना बिल्कुल सही कहले है। इस जेब पे कुछ आज भइल बाना और महेश के जे हालत बाना, इस सब के खातिर तू जिम्मेदार बाड़ू। अरे हम तो घर में मेहमान बानी, कभी कभी आवत नहीं, तोहरा के देखनी तो हमरा के लगल बहुत अच्छा लगी बाड़ू। पर जहाँ भी तू जाइबू वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, पर हम गलत रहनी। हम जे भी कुछ तहरा बार में सोचनी ना वो हमार भूल रहे, समझ लो। वाओ का लाइव टेलीकास्ट चल रहा बा, हम तो सोचले भी ना रहनी क्या हमार फेक स्टोरी सुनने के बाद हमरा के इतना अच्छा नजारा देखे के मिली। सब लोग चंद्र के कहत बानी, वो इस लड़की के वजह से कहत बानी। हम ये आपके कुछ उल्टा सीधा बताइले हा, जरूर इस लड़की कोनो कहानी बना के आपके उल्टा सीधा सुनाइले हा। जस्ट शट अप ओके, बच्चा नहीं की हम लोग कि के हम लोग के बहकाई और हम लोग बहक जाएंगे, दिमाग बा हम लोग के पास, समझ में आवेला के का सही बा का गलत बा, दोस्त और दुश्मन में फर्क आवेला समझ में हमके, धोखा और मक्कारी भी दिखेला हमके। ऐसे जो तारी बकवास बात बावेने के बंद करा और जस्ट लीव, समझ लो। तो शर्लिन के हम ना पसंद करने बात सब कोई के पता बा, लेकिन हम तो ऐसे नफरत करें नहीं, अजीब बात भी साबित हो गई। प्रीता रड़ा तू सिर्फ हमारा दोस्ती का हद देखले बड़ो, नफरत के ना। ऐसे एकरा पहले हम कुछ करी या कुछ कहीं, जस्ट लीव गो, जस्ट लीव। करण एक मिनट तो हमार बात सुना। काहे काहे सुनिम तार बात, तारा वजह से डैड के हाल बा, तारा वजह से एक्सीडेंट भई, हमार वजह से ना भाई सब। एक्सीडेंट सिर्फ कार के वजह से ना होला, दिमाग के वजह से भी होला। एक्सीडेंट से पहले डैड तारा से मिले गए ना, तहसे
तू उनका इंसल्ट कर ले होकबू, उनके घर से निकले के बोल रहे होकबू, और यह बात उनका दिमाग में घूमत रहे, उनका रास्ता पे ध्यान ना रहे और उनका एक्सीडेंट हो गए। ऐसे ये एक्सीडेंट के जिम्मेदार सिर्फ तू बाड़ू। इनफैक्ट एक्सीडेंट ना मर्डर, तू डैड के मर्डर प्लान के लिए। ये सब कैसन बात करत बाड़ी तू? तू एक जैसा जा, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आई सेड लीव। राखी आंटी, आप हमारी बात सुनी, ये एक्सीडेंट हमार वजह से। चुप रहा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद बोलत बाड़ू हमार वजह से कुछ ना भइबा। निकल जा यहाँ से, निकल जा, वरना हमार मुँह से कुछ ऐसा सुनबू जेकर तू कबू जेकर कभी तू सपना भी ना देख ले होकू। चल जा यहाँ से। नर्स, नर्स, हमारा 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 डैड ठीक था पड़ा, उनका कुछ प्रॉब्लम था नहीं? देखिए ब्लड बहुत ज्यादा बह चुका बा, हमने के जल्द से जल्द उनका ब्लड ग्रुप के ब्लड चाहिए, नहीं तो हम शायद ना बचा पाए। हमने खून ले ली ना, हमारे ले ला। आपके ब्लड ग्रुप का बा? ए बी पॉजिटिव, सॉरी उनका बी पॉजिटिव बा, हमने के बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के नीड बा, आप समझा था नहीं? अगर आपके फैमिली में केहू के भी पास भी बी पॉजिटिव बा, सो प्लीज केहू के पास भी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बा। हमारा तो बी नेगेटिव बा, अगर बी पॉजिटिव होकर तो हम पापा जी के अपन ब्लड दे देती। देखिए फिर भी हम अपन हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में जाके एक बार पता कर लेता नहीं? हाँ जी। महेश जी के ब्लड ग्रुप के ब्लड अवेलेबल बा या ना? पर महेश जी के हॉस्पिटल आवे से पहले ही हमने के यहाँ एक पेशेंट के ऑपरेशन भेल बा जेकरा में सेम ब्लड ग्रुप के नीड रहे, जेके ब्लड बैंक में अवेलेबल ना रहे। अगर आपके रिलेटिव आपके फ्रेंड के हो के भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बा, तो प्लीज ओकरा के जल्द से जल्द बुला लेंगे। हम एक बार फिर भी ब्लड बैंक में जाके चेक करा प्लीज। या हमारे ब्लड ग्रुप और महेश लूथरा के ब्लड ग्रुप सेम बा, लेकिन हम इतना पागल भी ना बने कि पहले ओकर खून करवाई और फिर अपन खून दे के ओकर जान बचाई और फिर उहे महेश लूथरा हमके जेल भिजवा दे और पुलिस हमार खून कर दे। ना ना, हमके तो लूथरा के मरद देखे के बा, ई दोनों लूथरा भैयन के अपन बाप के खातिर ऐसने तिल तिल मरे के देखे के बा, ब्लडी इमोशनल फूल। ई लोग तो खून के आंसू रो के मरी है। करन तेरा लगे फोन बा? तू अब तक यह पर खड़ा बाड़ू, सबके धोखे इतना सुनौली कहने की यहाँ से चल जा, पर तू तू यहाँ भूत बन के खड़ा बाड़ू? शर्म ना आवेली तोरा के, निकल जा यहाँ से प्रीता, प्लीज लीव, जस्ट गेट आउट। वाह, का नजारा है, कबो सोच लेना रही कि ये रायता फैलल है, ओकरा समेटते समेटते हम अपना आपके इतना गिफ्ट दे दे। सरलिन बेबी, तू तो आज कमाल के परफॉर्मेंस दे ले हो, कहे कि सबसे ज्यादा ही हमके फायदा हो गए। पहला फायदा ही कि अब हमारा रास्ता क्लियर हो गई, अब प्रीता जी के लाइफ में ना कोई दोसर ना कोई तीसर रहे, और दोसर रहे के वो गिल्ली डंडा प्लेयर और तीसर यानी कि पंचायती बिजनेसमैन। अब प्रीता जी के जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ उनका नंबर वन इंसान रही प्रीता जी के पृथ्वी। और दूसरा फायदा ही कि हम जानते हैं बीबी कि तुहार ब्लड ग्रुप पहे सलूत्रा से मैच करेला, लेकिन फिर भी तू झूठ बोलो कि तुहार ब्लड ग्रुप अलग है। अच्छा कैला, बहुत जल्द महेश सलूत्रा मरे वाला है और फिर हमार राज राजे राजे हमार सच केहू के सामने ना आए कबो ना। अभी जो डैड के कंडीशन बा सिर्फ तारा वजह से, कहें सब तहार जगह ना हमारा दिल में बा, ना हमारा घर में, ना हमारा फैमिली में, समझ लो तू। इतना सब कुछ उछाले के बाद बोलत बाड़ू हमार वजह से कुछ ना भइल बा, निकल जा यहाँ से, निकल जा, वरना हमार मुँह से कुछ ऐसा सुनबू जेकर कभी तू सपना भी ना देख ले होकू। करन सच में हमार कुछ पृथ्वी जी आप यहाँ? वो हम मॉम के लेके हॉस्पिटल आए रही, उनका रेगुलर चेकअप करवावे खातिर आपके दिखनी तब हमार मतलब है आपके हैरान परेशान देख ली, तो हम खुद रोक गए और मम के घर भेज दिली। हम देख ली प्रीता जी कौन तरह से लूथराज आप पर इल्जाम लगावत रहे,
घर छोड़ी हॉस्पिटल में भी। प्रीता जी आपके पता, हम आपके पास आवे के चाहते रहे, आपके सपोर्ट करके चाहते रहे, आपके साथ खड़ा होके उलुथराज के उलुथराज से फाइट करके चाहते रहे, पर ना कर पहली आपकी वजह से। कहे कि हम जानते हैं प्रीता जी कि लुथराज आपके खातिर का मायने रखेला, आप उनका कितना केयर कर ले, उनका रिस्पेक्ट कर ले, उनका प्रवाह आपके, पर उनका आपके प्रवाह बिल्कुल ना। हमके बार बार बोले कि ना चाहिए, बट आप समझे कि कोशिश करी प्रीता जी, दिस इज नॉट डन। राखी आंटी, बानी दादी, करण और तो और ऋषभ जी भी, हम ऋषभ जी से बिल्कुल एक्सेप्ट ना कर ले, ऋषभ जी भी आप पर विश्वास ना कर ले, वो आपके बेइज्जती करत रहले। प्रीता जी, यू नो व्हाट, आप बहुत अच्छा है, पर वो लुथराज बहुत बुरा है, वो आपके केयर, आपके रिस्पेक्ट, आपके अफेक्शन, आपकी फिक्र वो डिजर्व ना करेला। वो तो आपके फैमिली मेंबर मनात रहे ना, वो कहते रहे कि आपसे बहुत प्यार करता, प्यार ऐसा होला, केयर ऐसा होला, रिस्पेक्ट ऐसा होला। और वो करण, वो आपके दोस्त मानत रहे ना, दोस्त ऐसा भी आप करेला, सेमलेस। प्रीता जी, वो लोग आपके डिजर्व ना करेला। अगर आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड के हो के भी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव बा, तो प्लीज उकरा के जल्द से जल्द बुला लेना। भाई शंकर के ब्लड चाहिए और हमारा उनका ब्लड ग्रुप सेम बा, एकर मतलब हम उनका के ब्लड दे सके नहीं। प्रीता जी, कहाँ जा रहे हैं आप? एग्जिट उस तरफ, चलिए घर चलते आप। ये तरफ कहाँ जा रहे हैं? लुथराज के पास मत जाओ, आपके डिजर्व ना करेला। वो लोग हमरा के डिजर्व ना करेले, लेकिन महेश अंकल हमरा के डिजर्व करे ले, वो हमारे घर आए रहे, वो हमरा के शैलिन के सारा सच बता दे ले, हमरा से बहुत माफी भी मांग ले। माँ और दादी घर के सभी लोगों के बारे में पूछत रहे, हमरा के अपन साथ ले जावे के चाहत रहे, जब हम उनका साथ जावे से मना कर देनी तो हमरा के बताले कि हम माँ के प्रॉमिस कर ले, वो हमारे प्रॉमिस के भी रिस्पेक्ट कर ले। महेश अंकल हमरा के हमेशा बेटी के जैसन प्यार कर ले, मान सम्मान सब दे ले, और आज उनका के ब्लड के साथ भारत उनकर और हमारे ब्लड ग्रुप सेम बा, आपके पता बा, हमरा के जरूर उनका के ब्लड डोनेट करके चाहे, और हम वो जरूर करब। प्रीता जी, कौनो न कौनो लुथरा हमेशा इम्पोर्टेंट हो ही जाला। दोनों भाई से पीछा छूटल तभी बाप आ गए महेश लुथरा। अगर प्रीता जी महेश लुथरा के ब्लड डोनेट कर देलस, फिर महेश लुथरा हमार और बेबी के बारे में सबके सच बता दी ना, हमरा बारे में ना, सिर्फ बेबी के बारे में। कहे कि अगर महेश लुथरा प्रीता जी के हमरा बारे में सच बतेली होखी, तो प्रीता जी हमरा साथ इतना बिहेव ना करी। एक मतलब ही भाई, हम टोटली सेफ है, और लक्की भी, जब हमार पर्दाफाश होए वाला रहे एंड मोमेंट पर बच जाते हैं। डॉक्टर सुधीर, ऋषभ बोला था नहीं, हम आपके हॉस्पिटल में बी पॉजिटिव ब्लड मिलेगा क्या? बोल क्या कह रहे? चेक करा था लोग, फाइनली आज सर सबके पता चल गई बा। पहले जब प्रीता हम पे इल्जाम लगावली, हमके गलत साबित करके कोशिश कैली, तो हम कितना हेल्पलेस फील करत रहनी, काहे कि ओ वक्त प्रीता सबकी जान रहली और हम ही घर में नया। जब प्रीता सबके हमरे खिलाफ भड़कावे की कोशिश कैली, हमके समझ में ना आयल कि हम का कर। एक सेकंड, मॉम के कॉल। हेलो, हम तो उससे भी बात ना कर सके नहीं, हम बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे बानी, प्रीता के अगेंस्ट इस लुथराज के भड़का रहल बानी। आग लगा से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक अर्जेंट काम है, टाइम पास करे खातिर कॉल न करे तो के प्रीता जी के बारे में कुछ अर्जेंटली बतावे क्या तो के, जल्दी से हमरा पास आवा। अच्छा महावत बानी, कहाँ बाड़ा तू? जहाँ पर लुथराज है ओकर पैरेलल कॉरिडोर में, अंडरस्टैंड? ओके। नर्स प्लीज, आप लुथरा फैमिली में से के हो के भी ये बारे में कुछ मत बताइए। सॉरी, हम आप लोगन के बात सुन ले रही, वो लोग आप पर ऐसे इल्जाम लगावत रहे जैसे। खैर, जब उनका के ये पता चली कि महेश जी के आप ब्लड देनी है, तो लोग बहुत खुश हो जाइए, और ये आपके खातिर बहुत अच्छा बात बा।
और हो सकेला ओकरा बाद वो आप पे फिर से ट्रस्ट करे लागेस। नाना पहले सो लोग हमरा से बहुत नाराज बाड़े, कहीं हमार ब्लड देवे के बात की गलत न समझ लिए, और अगर शैलिन फिर से करीना आंटी के कुछ उल्टा सीधा बोल दे ले हमार बारे में भड़का दे ले तो का पता वो लोग हमार ब्लड लेवे से मना ही कर दी। नाना हम ही रिस्क ना ले सके। I'm sorry, पर इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, आप प्लीज वो फैमिली में केहू के भी कुछ ना कहिया। ओके ये पृथ्वी कहाँ चल गई, बुलावलस तो यहीं पर रहल। का कर रहा बड़ा तू, तू हमके खींच के काहे लेके आइल बड़ो। अगर केहू देख लेलस ना तो पैरन तले जमीन खींच आई, और हम तो से कहले रानी ना कि हम बहुत इम्पोर्टेंट काम करे में बिजी बानी, तो काहे बुलावलस हमके यहाँ पे, और थोड़ा दूर रह के बात करा। कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज देवे खातिर बुले लिए तो के। दो इम्पोर्टेंट न्यूज है, एक गुड एक बैड, बतावा कौन सी सुनबा पहले। ऑब्वियसली गुड। द गुड न्यूज ये है कि महेश लोथरा मरे वाला है। ओह व्हाट, और दूसरा बैड न्यूज का बा। दूसरा न्यूज ये है कि प्रीता जी महेश लोथरा के खातिर ब्लड डोनेट करे गई है। व्हाट व्हाट, पर तू टेंशन मत ले, तोहर दिमाग खराब हो गेल बका। अरे कभी तो हमार काम आ जावल करा। प्रीता अगर खून देवी जात रहली तो ओकरा के रोक न सकत रहल, अगर महेश के खून देलस और अगर महेश बच गए ना तो हम तोहरा के ना छोड़ब। अरे का तू हो फालतू में काहे टेंशन ले रहलो, हम यहाँ पे ई सुने खातिर पागल हो रहल बानी कि वी हैव सॉरी टू से महेश लूथरा इज नो मोर, और तू बाड़ा की फालतू बात कर रहा है। अरे बेबी उमर, एक्सक्यूज मी, और डॉक्टर शर्मा या पूजा नर्स कहाँ मिली? सिस्टर पूजा डोनेशन रूम में बाड़ी। थैंक यू। आप कंफर्टेबल बानी ना, आपकी घबराहट तो नहीं की होत? ये तो पूजा के ढूंढ रहा है। Damn it! अभी गली डंडा प्लेयर ब्लड डोनेशन रूम में जाई, अगर वहां जाई तो प्रीता जी के देख ली, प्रीता जी के देख ली तो प्रीता दिखाई दी कि प्रीता जी ओकरा बाप यानी कि महेश लोथरा के ब्लड डोनेट कर रहा। ऐसा सिचुएशन में तो ये चीज हो सकेला, या तो प्रीता जी से इम्प्रेस्ड हो जाई या तो प्रीता जी पर भड़क जाई, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में प्रीता जी फैनो से ओकरा दिल में जगह बना ली। स्टॉप इट, ये फालतू की बात करल बंद करा। ये सोचो कि हमने करण के कैसे रोकल जाए, और हमने ओकरा के ऐसे रोके के बाकी ओकरा के शक ना हो कि हमने ओकी जानबूझ के रोक रहल बानी। सोचो कैसे सोची का सोची, एक सेकंड में ब्लड डोनेशन रूम में पहुंच जाई। का करल जाए, यहां खून के रिश्ता बन रहा है, ये रिश्ता के खून हम कैसे करी, हमके का पता। हो गई, करण नर्स एक रखी जल्दी हटाई, निकाली निकाली जल्दी। हम की तो से कुछ बात हम की तरह से कोनो बात नहीं कर करे के। सिस्टर वो डैड के ब्लड ग्रुप के ब्लड अरेंज हो गेल बा, हम नवी मुंबई फोन कलर नहीं हुआ के हॉस्पिटल। अब ओकर कोनो जरूरत नहीं के, ब्लड हमने के मिल गेल बा। लेकिन अभी तो तू कहत लो के ब्लड अरेंज नहीं के भाई। बाग यो दिलवाला जे ब्लड डोनेट कर देलास, जैसे ही ओकरा पता चलल हंसते हंसते वो अपन ब्लड दे देलास। वाओ उनकर ये एहसान हम कबो न चुका पाए, कहा से उनके थैंक्स बोल पाई थी। Thank you.
थैंक गॉड गिल्ली डंडा प्लेयर के पता ना चलल कि ओकरा मरद बाप के प्रीता जी खून देले बा। आई एम सॉरी प्रीता जी, आपके खून कोनो काम ना आए, काहे कि मरे वाला जी हाँ ओ ता आज यहाँ से मर के ही जाई। सिस्टर, अगर वो दिल वाला आपको दोबारा मिली है ना तो उनके हमरा तरफ से ही दे दिया। हमर लकी बॉल है, हमेशा एक हम अपने पास रखे नहीं, यही की वजह से हम अपन पहला मैच जीतले रहने और हमेशा जीतते चल गए नहीं, धी करण लुथरा बन गए नहीं। ऐसे 24/7 अपने पास रखे नहीं हम, लेकिन शायद पहले क्यों की बात हम बताइले नहीं की ना कब बॉल क्यों के ध्यान ये बॉल के ऐसे देता नहीं कि वो हमारा डैड के जान लेकी। बहुत अच्छा दिल के बड़ी ना तो आजकल लोग कहाँ क्यों के हेल्प करेला। इनफैक्ट आजकल लोग अपन बन के पीठ में छोड़ा भोग देला। आई एम सॉरी, हम कुछ ज्यादा ही बोल गए नहीं। थैंक यू। बॉल तुमके हमरा तरफ से ही दे दिया, हमर लकी बॉल है। बीजी अच्छा बात, थोड़ा साफ सफाई तो हो गई ना। हाँ हाँ। प्रीता, प्रीता। अरे ये हो की कहाँ जाइयो, जानकी जा जरा चाय तो बना के ले आवा, थक्के चूर हो गई नहीं हम तो। अरे दिखाई नहीं खेद, कितना सारा बात करे की हमरा ओकरा साथ। आपके पता बना सनी कितना बार फोन कर चुकल बा, वो फूल के डेकोरेशन के बात करे के बा। वैसे हमरा पता बा ओकरा गेंदा के फूल पसंद बा, शादी भी तो गेंदा के साथ होता ना। का कहलो तू? गेंदा के फूल मा? हाँ गेंदा के फूल ओकरा पसंद बा, लेकिन कम से कम बता दे देत कि हम मेन डोर पर हम डेकोरेशन कैसन करी। मतलब गेंदा के फूल के साथ ओकरा कोई और फूल भी पसंद बा, या फिर सिर्फ गेंदे के फूल का ही डेकोरेशन करी। आपके तो पता बना बीजी। एंड मोमेंट पे सनी फिर कह दे कि फूल के डेकोरेशन ना हो सकेला, पता ना कहाँ चल गली रही की। अरे घर में ही होगी और कहाँ जाई। सृष्टि जा देख कर आवा, कहाँ गल बड़ी प्रीता, देखो कमरे में बड़ी का। अरे माँ अनाउंसमेंट करे की जरूरत नहीं खे, छोटू सा तो घर बा, इतू सा सुन ले हुई दीदी ना आवे के हो यही खाती ना आवत हुई बाहर। तू कहे इसे चुड़चुड़ी बाड़ू? हाँ हमरा पता बतू शादी के लेके कितना उखड़ल बाड़ू, तोहा चेहरा इतना मुरझायल जैसन कहे बा। मत करा बेटा, बड़ बहिन के शादी बा, समझावा एकरा के बीजी। जब बड़ बहिन के शादी होखेला ना तो छोटी बहिन कैसे फुदक फुदक के सब काम करेले। नहीं अच्छा लागत हमरा, हमरा घर में ना चली जे नहीं चले के उदा चला था। हम खुद ही जाके देख लेता नहीं। प्रीता पता ना कहाँ बा, हम खुद ही देख लेता नहीं। प्रीता अरे यहाँ भी नहीं खे। बीजी ओहो फोन पे कहाँ लगल बानी, हम सारा कमरा देख लेनी, प्रीता तो हेले नहीं खी। पता सरला कहीं पड़ोस में गई होगी, आ जाए। बीजी बिना बताए तो कबो ना जाले। अच्छा बाथरूम में देख रहे हुआ होगी। प्रीता जी, आंटी प्रीता जी कहाँ? आंटी जी प्रीता जी कहाँ? घर में कहीं नहीं, हम ढूंढते घर में ना तब तो छत पर हुई। सिस्टर इन लॉ तो अभी के अभी अपन दीदी के छत से नीचे ले आवा, चाहे वो मना करे चाहे जे कहे, मनिया मत उनका अभी कभी ले आवा। पृथ्वी एक मिनट, आप कहा बोला था नहीं, कुछ समझ में नहीं आवत, कहा भइल प्रीता के साथ? आंटी जी प्रीता जी के होश उड़ गए, उनका हालत बहुत खराब, उनका दिल टूट गई। का भइल का बा? आंटी जी ऐसा सिचुएशन में जब क्यों छत पर जलत आपके पता ना का करेला, आत्महत्या। बकवास करता नहीं आप, कहा बोला था नहीं हमने, कुछ समझ में नहीं आवत। आंटी जी बहुत बुरा भइल,
देवी भाईल बहुत बुरा भाईल हॉस्पिटल में, बहुत बुरा भाईल। हॉस्पिटल में महेश अंकल के एक्सीडेंट हो गए, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। महेश के एक्सीडेंट कैसे हो गए लोग का एक्सीडेंट? बुरा भाईल, हम मानते बहुत बुरा भाईल, लेकिन ओकरा से भी बुरा हमार प्रीता जी के साथ भइला। एक मिनट, कादी हॉस्पिटल गेल बाड़ी? हाँ, पता काहे? काहे कि आपके दी के दिल बहुत बड़ा और आपकी दी बहुत अच्छा। कहा बोले तानी? महेश अंकल के एक्सीडेंट भइल, ये बात जैसे पता चल प्रीता जी के, वो हॉस्पिटल पहुँच गए उनका देखे खातिर कि वो ठीक है कि ना। जैसे वो हॉस्पिटल पहुँच ले, लुथराज एक के बाद एक उनका इंसल्ट कर ले, खड़े खोटी सुने ले, उनका पर बरस पड़ा। और करण के तो आदत बन चुका, जब देखा तब प्रीता जी के खड़े खोटी सुनावत रहला। बस सरप्राइज ली आज तक ऋषभ जी भी प्रीता जी के इंसल्ट कर ले। प्रीता जी के रोज देख के हमके रो आवत रहे, आंटी जी हमके बहुत बुरा लगत रहे। प्रीता जी पर सब बरस पड़ल, सब लुथराज के ऐसा लगे कि महेश अंकल के एक्सीडेंट भइले तो सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी के वजह से भइल है। लेकिन दी के वजह से कैसे? वो दिन लुथरा हाउस में जे भी ड्रामा भइल रहे, वो गुंडा आयल रहे ना, वो आप लोग गुंडा के लेके आल रहे, वो गुंडा यूटर्न ले रहे। हाँ तो फिर का? तो लुथराज के लग रहा कि पूरा ड्रामा प्रीता जी क्रिएट कर ले रहे, और ये बात महेश अंकल के दिमाग में घूम रहा ड्राइविंग करे वक्त, और उनका एक्सीडेंट हो गयी। प्रीता जी सबके बारे में अच्छा सोच ले, सबके साथ अच्छा करे, लेकिन उनका साथ का होला हमेशा बुरा। हम मना कर ले रही ओकरा के, माँ हम मना कर ले रही ना ओकरा के, क्यों घर में मत जाओ, चौकट पे कभी पाँव मत रखिए, लेकिन कितना कुछ कही ले बाओ वो परिवार खातिर, कितना बार करण के जान बचेलस, एक सेकंड में सब रिश्ता तोड़ देलस सब। और ऋषभ वो तो इतना समझदार बा, इतना इज्जत करत रहे प्रीता के, फिर भी बेइज्जती कैलस। अपन परिवार मानत रही हम उनका के, उनका खाते कुछ भी करत रही, कितना प्यार रहे, कितना विश्वास रहे, लेकिन अरे दुश्मन के भी जरा सा चोट लागे लाना था लोग पहुंच जाले। ऐसा कौन सा बड़ बात कर दिला सो, हॉस्पिटल ही तो गए रहे, महेश की तबीयत पूछे तो कहां जरूरत रहे इतना कुछ बोले के, ओकरा के रोआवे के हो ऐसा ना करेला पराया के साथ भी ना। बहुत बुरा कहला नु लोग, बहुत बुरा कहला नु लोग, हमारे बच्चे के साथ ओकर आंख में फिर से आंसू देलक। शांत हो जाइए मम्मा प्लीज ना, हम कभी ना माफ करब उनका के, कब वो माफ ना करब, इतना सभी विश्वास ना कैलन, हमार बच्चे की बेइज्जती कैलन ना, कब वो माफ ना करब वो परिवार के, कब वो माफ ना करब वो परिवार के, लुथरा परिवार के कब वो माफ ना करब हम। आंटी जी आप शांत हो जाएं। प्रीता आंटी, I'm so sorry. हमरा के पता ही ना रहे अंकल के बारे में, अगर पता हो तो सेमिनार से जल्दी आ जाती हम। I'm sorry. अंकल कैसन बाड़न? ठीक ता बाड़न ना? ओटी में बाड़े, ट्रीटमेंट चलत बा। आंटी हम डैड के फोन करेगा, वो यहाँ बहुत अच्छा डॉक्टर्स के जाने लन, हमने के हेल्प हो जाए हम करत नहीं। ओका जरूरत ना पड़ी, जो डॉक्टर डैड का ट्रीटमेंट करा था वो बहुत अच्छा डॉक्टर बा। I don't think so. Thank you. डॉक्टर, डैड इज ओके ना, ही इज आउट ऑफ डेंजर ना, अब आप कोनो प्रॉब्लम वाला बात नहीं कहना, ऐसे नहीं कुछ बोले प्लीज, हमरा बहुत टेंशन होता। डॉक्टर ये बताइए वो एकदम ठीक पड़े ना? काम नहीं मिल सके उनका से कुछ तो बोला प्रशांत, हमार बेटा कैसन बा? देखिए उनका ऑपरेशन पूरा हो चुका बा और अब वो ठीक पड़न। ओके ऋषभ, उनकर बच्चे के चांस बहुत कम ही रहे, एक्चुअली ना के बराबर रहे, अब एमे ईश्वर के चमत्कार ही कहीं, अब वो ठीक बाड़न, खतरा से बाहर बाड़न। भाभी जी एक मिनट हमारी बात सुने, देखिए वो ठीक बाड़न, जिंदा बाड़न, खतरा से बाहर बाड़न, लेकिन 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 का डॉक्टर? लेकिन वो कोमा में चल गए पड़न। एक्चुअली उनका सर पे बहुत ज्यादा गहरा चोट आयल रहे,
जेकरा वजह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल गई। पर डॉक्टर आपके लगे ओकर भी इलाज होगी ना? आप ट्रीटमेंट करी, आप अपन टीम के बोली, कोई ना कोई रास्ता तो हुई ना। आप उंकरा के होश में ले आए डॉक्टर, कबले कुमा में रही है ना। ऋषभ हम ही बता नहीं सकत, हो सकता है काल कुमा से बाहर आ जास, या ये भी पॉसिबल बा कि एक महीना लगो, हो सकता है एक साल लग जाओ, या दस साल भी लग सकता है ऋषभ। ये भी पॉसिबल बा कि हो सकता है कबो भी कुमा से बाहर ना आवास। देखिए उनका बचे के चांस तो बिल्कुल भी ना रहे, बड़ी मुश्किल से बचा बलवानी। अब ये उम्मीद तो बा कि वो कुमा से बाहर आ सकता रन, ठीक हो सकता रन। पहले तो यही रहा कि उनका चांस ना रहा बचे के, लेकिन टाइम पर ब्लड ग्रुप में निकल उनकर हमने के उनका इलाज करनी, बेस्ट ट्रीटमेंट करनी और करत भी बानी जा। लेकिन अब उनका घाव इतना गहरा बा कि वो कब ठीक होई हम ना बता पाए। हम ये कह सकता नहीं कि आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जास और कोमा से बाहर आ जास। गेलो हमरा मना करे के बाद भी तो परिवार से मिले गल रहू। माँ हम उनके घर ना गेल रहनी, हम हॉस्पिटल गेल रहनी। ओ हम तो हरा के मना कर ले रही ना कि तू उनकर चौखट पे ना जाइबू। इका मतलब कहा कि हम चाहत रही कि तू वो परिवार के केहू भी इंसान से ना मिलबू। इतना समझदार हो कि तुहरा के हमर बात ना समझ में आई? हाँ, फिर तू चाहे सड़क पे मिला, पार्क में मिला या फिर हॉस्पिटल में, तू उनका से मिले तो गई लो ना। तू भूल गई लो तार कितना बेइज्जती कर ले रहे उलो, कितना जल्लत कर ले रहे, फिर भी तू चल गई लो, काहे गई लो। कैसे ना चाहती माँ, माऊ महेश अंकल की बहुत बुरा एक्सीडेंट भइल रहे, वो ऑपरेशन थिएटर में। उनका परिवार रहे ना वहाँ प्रीता, उनका के देखे खातिर तुहार गए जरूरी काहे रहे। तुहार माँ भी तो मना कर ले रही ना कि तू उनका से ना मिल पू, फिर तू काहे गई लो उन लोगों से मिले। तुहार सब समझ कहाँ चल जाला जब बात तू परिवार के आवेला था। हम तुहार आँख में और आंसू नहीं देख सकत, एक सेकंड ना लगेला सुन लोग हमने से रिश्ता तोड़े खातिर। तुहरा समझ में काहे ना आवेला कि अब कोनो रिश्ता नहीं किया हमने के उनका साथ, कोनो दोस्ती नहीं किए, जे इज्जत देते रही जे प्यार देते रही ना सब खत्म हो गई। फिर काहे गई लो तो उनका से मिले। आज भी वो लोग बाहर फेंक दे लियो ही ना तोरा के, सुना के सब बात ना सुने के हमरा कोनो बात नहीं के, सुने के हमरा कोनो बात, हम नहीं की चाहत की तो उनका से मिला। तोरा ही बात समझ में काहे नहीं की आवत, तोहर भलाई खातिर ही बोला था नहीं, भूल जा उन लोगों के, रिश्ता रहे उनका साथ बा ना। हमने के बहुत बेइज्जती कैले बा, लोग तुहार बेइज्जती कैले बा, तुहार आँख में आंसू ले ले बा। तो पृथ्वी के बारे में काहे ना सोचा था? तुहार शादी बा, तू ओकरा बारे में सोचा, ओकर परिवार के बारे में सोचा। तू हमरा से वादा कैले रहू और अब तू अपन वादा निभाइबू। एक गलती के बाद हम तोरा के माफ ना कर पिता। तू वो परिवार के केहो बे इंसान से दोबारा ना मिल बोल, समझ में आवता ना? माँ बस माँ, तोहरा पे भी लागू होला। तू वो परिवार के केहो बे इंसान से ना मिल बोल, समझ में आवता कि ना? ना बहन जी सही ना कही, रिश्ता ऐसा थोड़े ना टूटे ले। और हमरा बोले से का हो खेला तो वह है ना जो बहन जी चाहे ले। मम्मा के सब में कोनो ना कोनो कमी नजर आ गई, सिवाय वो बागड़ बल्ला पृथ्वी के, इस सारा आग उहे लगी लेवा। पर मम्मा भी इतना भोली बड़ी कि उनका खातिर ये आग लगावल ना अपन दामाद के अपन पन बा। अरे आग लगे ऐसन अपनापन के, आग लगे वो बागड़ बिल्ला के,
और एगो नया बखेड़ा खड़ा कर देले बा। भगवान करे वो भागकड़ बिल्ला के एक्सीडेंट हो जाए और प्रीता दी के शादी टल जाए। कहाँ रह गई बेबी? अजीब है ये भी, हमके बुला के खुद गायब हो गई। अरे जे भी बता करे फोन पे बता दे, पर ना जब तक पुन्नू बेबी की शकल ना देखी कुछ उगली ही ना। अरे कहाँ रह गई रलू तू, कब से इंतजार कर रही तुहार? तो क्या पता यहाँ पहुंचे खातिर हमके माउंटेन क्लाइंबिंग करके आवे के पर? ऐसा कौन से बात है जो तू फोन पर ना बता सकत रहा? महेश लूथरा घर वापस आ गई। महेश लूथरा घर वापस आ गई? उही वक्त घर के अंदर है? तब फिर तू घर के बाहर कैसे निकल लू? अरे हमार मतलब है कोनो कोनो चमत्कार हो गेल का? हाँ जानकी बुढ़िया की तरह कोनो ओकरो याद से चल गेल, ऐसा कुछ भेल का? ना बेबी, ओकर हालत तो जानकी बुढ़िया से भी बदतर हो गई बा। ओकर जबाने चल गई बा, उहे जबान जकरा से वो हमार सच्चाई बतावे वाला रहे, हमार पर्दाफाश करे वाला रहे। बेचारा कोमा में चल गई। What? लेकिन एक बहुत बुरा बात बा। का? के हमके ओकर चेहरा दिन रात देखे के पड़ी, घर में पड़ल जे रही। लेकिन एक बहुत ही अच्छा बात का, 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 का? के तो के पता बना कि जोन इंसान कोमा में रहेला वो सुन सकेला, देख सकेला, लेकिन हिल डुल ना सकेला। अरे हमें खुद ही एक्सपीरियंस कर ले आई। अच्छा जानकी बुढ़िया जी है ना? हाँ। ओकर आँख खुलल रहेला और कान, और वो पड़ल रहेले पुतली बाई के तरह, और हम भरत नट्यम करत रहेले ओकरा सामने। ठीक वैसे कुछ भेल ना? हाँ एकदम वैसे ही, हम के देख सकेला सुन सकेला लेकिन कुछ ना कर सकेला वो। लेकिन बेबी। लेकिन का? लेकिन कब ना कब तो वो कोमा से बाहर आई ना, और जान दिन वो कोमा से बाहर आई तो हम क्यों ये घर से बाहर कर दे। तो के टेंशन लेवे के बिल्कुल जरूरत ना है बेबी, वो कोमा में गई है, कोमा में। अरे कोनो मेडिकल चमत्कार थोड़ी ना हुई कि वो दो चार दिन में कोमा से बाहर आ जाए। जे इंसान कोमा में जाला ना, कोमा से बाहर आवे में वक्त लगेला, बहुत वक्त लगेला, और हम ये वक्त के आपन बेस्ट वक्त बनाए। पता कैसे? देखा जब तक महेश लूथरा कोमा में रही, लूथरा डिप्रेशन में रही, गम में डूबल रही, और हम क्या करब उनका बर्बाद। हम लूथराज के फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट कह दे, उनका रोड पर ले आए, उनका सब कुछ, उनका पैसा प्रॉपर्टी जायदाद अपन नाम करवा ले, है ना कमाल के प्लान? पर ही प्लान के एग्जीक्यूट करे के पड़ी, वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, है ना? जॉन परी बेबी, हम अभी अंदर जा रहे बानी और डबल स्पीड में अपन काम शुरू कर दे बानी, और फिर तो काबा के बा बेबी क्या गुल खिलौले बाड़ू ना? गुल ना, ये बार गुलिस्तान खिला दिया तो। बाय बेबी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट टू अस। ये टाइम पे क्यों फोन कर रहा था यार? इतना रात के सृष्टि का ही फोन कर रही हमरा के? हाँ सृष्टि बोला, तू इतना रात के फोन कर ले पड़ू, सब ठीक बा ना? सैमी बस ऐसे ही जी घबरावत रहे, सब ठीक तो हो जाए ना? का बात बस सृष्टि, तू परेशान लगातार हो, का भेल बा? पहले बतावा सब ठीक हो जाए ना? हाँ सृष्टि सब ठीक हो जाए, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, लेकिन तू हमरा के बताओ तब भेल का बा? कुछ ना यार, बस सोचत रही कि जो भी कुछ होगा था हमने के फैमिली के बीच में ही लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए ना सैमी, सब पहले जैसा हो जाए ना? हाँ सृष्टि सब ठीक हो जाए। तू कहले बड़ा था हमरा भी ऐसा लगा था कि सब ठीक हो जाए। देखा ना सृष्टि, इतना दिन में इतना कुछ हो गई, सब कुछ गलत होता है, लेकिन हमारी यकीन माना, एक बार करण भाई के गुस्सा शांत हो जाओ ना, तनी कूल हो जास, फिर सब कुछ ठीक हो जाए। तारा के पता बस सैमी, देख कितना कोशिश करे तारी खुद के संभाले खातिर, अपन दर्द छुपावे खातिर, लेकिन हम जाना तनु कितना तकलीफ में बाड़ी। पहले तो हमरा लगत रहे कि इतना सीरियस मैटर नहीं खे सैमी, लेकिन अब हमरा के विश्वास हो गेल बा कि ये दिल के मैटर बा। हम उनकर फीलिंग्स, उनकर दर्द महसूस कर सकेनी सैमी। और कैसन बा ना, तो हर फैमिली से एक भी बंदा दी पे ट्रस्ट नहीं के करत ना, मतलब जे बंदा दी पे इतना विश्वास करत रहे,
आँख बंद करके भरोसा करत रहे। कुछ लेवे खरीदे से पहले, कुछ करे लेवे से पहले दी के राय लेवत रहे। जेकरा खातिर दी सबसे सही रही और बाकी सब गलत। आज उकरे खातिर दी गलत हो गई और सब बाकी सब सही हो गई। काहे हमें समझ में नहीं आवत कि ऐसा काहे होता, कि का नजर लग गया, का होता। हम इतना फ्रस्ट्रेट हो गए बानी ना इस चीज से कि हम का बताएं सैमी। सृष्टि तू एकदम ठीक कहा तरु। एको टाइम रहे जब दोनों परिवार में कितना प्यार रहे, एक दूसरे खातिर कितना केयर रहे, एक दूसरे के कितना फिकर करत रहे लोग। पता ना अचानक से का हो गए, सब प्रीता के अगेंस्ट हो गए लोग, केहू ओकरा पे विश्वास नहीं के करत। सैमी तू तो हमरा पे विश्वास करबा ना, तू हमारे साथ हमेशा देबा ना। कैसन बात करे तुरे सृष्टि, हम हमेशा तार साथ हैं। हमेशा तार साथ रहे, तर के कबो ना छोड़े। That's a promise. Thank you, Sammy. ठीक बा, रखा था नहीं। Bye. Good night.